नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां नियमित टीकाकरण अभियान के दौरान आशा कार्यकर्ता के साथ हुई मारपीट में आरोपित युवक को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में आशा कार्यकर्तियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्तियों ने मांग किया कि खुलेआम घूम रहे आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। आशाओं ने चेतावनी दिया कि अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आशा कार्यकर्ती पूरे जिले में कार्य बहिष्कार करेंगी। बताते चले कि बीते शुक्रवार को गंभीरपुर थाना क्षेत्र के उमरी गोपालपुर विद्यालय पर नियमित टीकाकरण किया जा रहा था। इसी दौरान वहां शिवम नामक व्यक्ति पहुंचा और कोरोना का टीका लगाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को कहा। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि वो कोरोना का टीकाकरण नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों से उलझ गया और देखते ही देखते उसने आशा कार्यकर्त्री किरण को मारपीट कर घायल कर दिया, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की। इस बाबत आशा को दरोगा ने बताया कि पहले एक्सरे कराएं फिर गिरफ्तारी होगी। इससे परेशान आशाओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। आशा बहु संघ की आशा विभा राय ने एसपी से मांग की अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे जिले में आशा कार्यकर्त्रियां बहिष्कार करेंगी। मामला यही हुआ है कि हम लोग का सत्र का टीका लग रहा था, तो वहाँ पे एक शराबी शराब पी के आया था, तो कोरोना के टीका के बारे में मेरे दीदी से पूछा कि कोरोना का टीका लग रहा है, तो दीदी बोली कि कोरोना का टीका नहीं लग रहा है। बाबू तो बोला क्यों नहीं लग रहा है, तो वो बोले कि बाबू नहीं लग रहा है तो हम क्या बताएं, जाइए जिले पर पूछ लीजिए। तो चला गया। फिर एक हाँ एक लॉर्ड उपेंद्र आया था टीका लगवाने अपने बच्चों को, तो दूसरे को अपना बच्चा दे करके फिर शिवम को लेकर गया, फिर दारू पिला कर लेकर आया चार चक्का से, फिर वो अंदर आया तो मुझसे कहा कि टीका नहीं लग रहा है कोरोना का, तो मैं बोला कि नहीं बाबू टीका नहीं लग रहा है। तो हम कहें कि बाबू बाहर निकल जाओ, गाली मत दो। उसी पर हमको खींच खींच के बाल खींच खींच के बहुत मार मारा, हम मेज की तरह लुक गई, नहीं लुकी होती तो मेरा जान मार देता। वहाँ एक शराब पी करके आता है व्यक्ति शिवम नाम का, और कहता है कि मुझे कोरोना का टीका लगा दो। एचबी जी बोलती हैं कि भैया कोरोना का टीका नहीं, आप जिले पर जाओ संपर्क करके लगवा लो। इतने में वो गाली घुपटा देते हुए किरण सिंह आशा को मारने लगता है कि क्यों टीका नहीं लगेगा। इतना मारा कि 200 थपड़ा उस मारा है किरण सिंह को, आप कम से कम 20 से 25 कुर्सी तोड़ी है, दरवाज़ा वहाँ का तोड़ा है प्राइमरी स्कूल का। जब हम लोग थाने पर गए तो यशो साहब ने रात में तो एप्लीकेशन लेकर हम लोग को छोड़ दिया कि सुबह आइएगा मुआयना करवाएंगे। कल जब हम लोग मुआयना के लिए पहुँचे हैं तो मुआयना करवा के हम लोग को छोड़ दिए हैं कि जाइए आप लोग एक्सरे करवा के लाइए। अब हम माननीय महोदय जी से यही कहना चाह रहे हैं कि एक्सरे हम करवाएँ कहाँ, हमारा विभाग बताए हम एक्सरे करवाएँ कहाँ, उस आशा को न्याय मिले। एक्सरे न मऊ में हो रहा है, न बलिया में हो रहा है, न अपने आजमगढ़ में हो रहा है, तो क्या वो अपराधी ऐसे घूम रहा है, हम लोग काम करें? धमकी भी दे रहा है, क्यों उसको एसओ साहब गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? तो कल से जो महाअभियान टीकाकरण का महाअभियान चलने जा रहा है, हम 2-3 सब सेंटर उधर की आशाएं इतनी डरी सहमी हैं कि हमारी आशाएं काम करने के लिए नहीं तैयार हैं। हम भी आशा संगिनी हैं लेकिन हम बाध हैं आशाओं से काम कराने के लिए, कि आशाएं रो रही, हमारी एक आशा रो रही है। अगल बगल के लोग धमकी दे रहे हैं कि जो आशा डीएम तक जाएगी, जो आशा सीएमओ तक जाएगी हमारे खिलाफ, वो सीएम धमकी दे रहा है तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो बताइए वो आशा काम कैसे करें?